नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लाए हैं आपके लिए उत्तराखंड जीके के क्वेश्चंस। दोस्तों जो लोग पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, सब इंस्पेक्टर या UK SSSC, UK PSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की प्रश्न नंबर एक से। प्रश्न नंबर एक है, कत्तियों के शासनकाल में पैदल सेना को कहा जाता था। ऑप्शन ए गोमली, ऑप्शन बी तरपति, सी घटपाल, डी प्रांतपाल। तो इसका राइट आंसर है ए गोमली। प्रश्न दो, पाकिस्तान की स्वात घाटी के शिल्प समानवर्धन उत्तराखंड में कहाँ से प्राप्त हुए। ए किमनी, बी पांडुकेश्वर, सी जूनाकोट और डी मलारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मलारी, जो कि चमोली जिले के जोशीमठ ब्लॉक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, तालेश्वर ताम्रपात्र में निम्न में से किस पौरव राजा के नाम का उल्लेख है। तालेश्वर ताम्रपात्र में निम्न में से किस पौरव राजा का उल्लेख है। ए है विष्णुवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी विष्णुवर्मन और डी हर्षवर्मन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विष्णुवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजयपाल द्वारा राजधानी देवलगढ़ से चांदपुर कब स्थानांतरित की गई। ए 1527 ईस्वी, बी 1520 ईस्वी, सी 1512 ईस्वी और डी 1528 ईस्वी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर है सी 1512 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून को पद का सृजन निम्न में से किसने किया था। ए पौरव, बी योधे, सी कत्यूरी, डी चंद। तो इसका राइट आंसर है डी चंद। प्रश्न छः, चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध अनुसुईया माता मंदिर किस शैली में बना है। ऑप्शन ए कत्यूरी शैली, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी मुगल शैली, ऑप्शन डी पांडव शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कत्यूरी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पावे का भवनादित्य सूर्य मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी पौड़ी, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिथौरागढ़। प्रश्न आठ, चंपाकली किस अंग का आभूषण है। ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी गला, ऑप्शन डी हाथ। तो राइट आंसर है गला। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर नौ, जोशीमठ के सलोड़ गांव में लगने वाले रम्माण मेले में प्रयुक्त खलियारी पत्थर क्या है। ए मुखौटा, बी ताल, सी पात्र, डी संवाद। तो राइट आंसर है ए मुखौटा। प्रश्न दस, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किस शासक को कहते थे। हर्षदेव औली, रुद्रचंद्र, देवीचंद और कल्याणचंद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देवीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकेय राजवंश में कुलचारी किस पदाधिकारी को कहते थे। ए दरोगा, बी मुंशी, सी पटवारी, डी तहसीलदार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तहसीलदार। प्रश्न बारह, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का निम्न में से सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है। ए औली, बी बेदनी, सी चोपता, डी पमाली काटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेदनी बुग्याल, क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड का सांस्कृतिक पोर्टल हिंदी, संस्कृत, कुमाऊनी के अलावा किस भाषा के संरक्षण हेतु विकसित किया गया। ए अंग्रेजी, बी गढ़वाली, सी सौरियाली, डी उर्दू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गढ़वाली। प्रश्न चौदह, निम्न में से किसे अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू कहते हैं। ए आयरिन पंत, बी कुंती वर्मा, सी सरला बहन, डी कैथरीन हेलिमेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयरिन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड के प्रसिद्ध गीत बेड़ोपा को बारहमासा की धुन किसने बनाई थी। ऑप्शन ए स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह, बी मोहनोप्रति, सी चंद्र सिंह, डी गोपाल बाबू गोस्वामी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्गीय ब्रजेंद्र लाल शाह। क्वेश्चन 16, राजा यश धवल व रानी बल्पा का संबंध किस ताल से माना जाता है। ऑप्शन ए रूपकुंड, बी बेनीताल, ऑप्शन सी खुरपा ताल, ऑप्शन डी नौकुचिया ताल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रूपकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत और हांग थेनेचिंग किसकी रचनाएं हैं। ऑप्शन ए इंद्रस्वरूप रतुड़ी, बी डॉक्टर रामलाल शाह, सी पीताम्बर दत्त बरथवाल, डी सी प्रसाद डबराल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामलाल शाह। प्रश्न 18, उत्तराखंड का वह कौन सा ताल है जिसमें चौखंबा पर्वत का
जल प्रतिबिंब दिखाई देता है? ए फाचकंडी ताल, बी रूपकुंड, सी देवरिया ताल, डी अप्सरा ताल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवरिया ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में पहली बार रेल किन दो स्थानों के बीच चलाई गई? ए कोटद्वार नजीमाबाद, बी हरिद्वार लक्सर, सी देहरादून दिल्ली, डी काठगोदाम गिच्छा। तो इसका राइट आंसर है डी काठगोदाम किच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, देहरादून के अंबाड़ी गांव से किस सुंग शासक के सिक्के प्राप्त हुए? ए भद्रमित्र सुंग, बी पुष्यमित्र सुंग, सी अग्निमित्र और डी वशुमित्र। तो इसका राइट आंसर है डी वशुमित्र।